हाय बच्चों, हेलो। हाय एवरीवन, हेलो। एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल? हाय बच्चों, क्या हाल चाल? क्या हाल चाल? सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आई होप आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल। सो हाय अभिषेक, हाय आंश, हाय एवरीवन। आई होप एवरीथिंग इज फाइन। बच्चों एकदम मस्त हो तुम लोग, एकदम बढ़िया हो। यस, हाय पूनम, हाय सुनंदिता, हाय हसीन, हाय प्रीति। सो कैसा लग रहा है ये सिस्टम जहां पे मैं तुम्हें टॉपिक भी करवा रही हूँ और साथ के साथ भी क्विज भी? वी आर मीटिंग आफ्टर अ डे, सो टेल मी हाउ आर यू गाइस, हाउ आर यू गाइस। नमस्ते सपना, नमस्ते वंदना, नमस्ते नश्रा, अंशु। अरे अमीना, मंडे को मेरी क्लासेस नहीं हुआ करेंगी कुछ टाइमिंग्स की वजह से, तो आप टेंशन मत लो। मैं आप लोगों के लिए सेशन या प्रीमियर करवा दूंगी या किसी और टाइम पे लाइव आ जाऊंगी। व्हाट से इट विल वर्क, है ना? इट विल वर्क। और क्या, क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगी, क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगी। एंड आई एम सॉरी सेशन 5 मिनट तुम्हारा लेट हो गया, राइट? चलो, सेशन तुम्हारा 5 मिनट लेट हो गया, कुछ टेक्निकल दिक्कतें थी एज यूजुअल, बट नाउ एवरीथिंग इज फाइन। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन बच्चे, लेट्स फिनिश द लिविंग वर्ड। सो एज यू गाइज रिक्वेस्टेड कि मैम हम लोग, एज यू गाइज प्रॉमिस दैट मैम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अच्छे से पढ़ाई करके आएंगे और हम लोग इसको एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। सो क्या तुम लोगों ने एनसीईआरटी से पढ़ाई की है? क्या तुम लोगों ने एनसीईआरटी से पढ़ाई की है? हाँ, क्या तुम लोगों ने एनसीईआरटी से पढ़ाई की है? की है? सो हाउ इज द जोश एवरीवन, हाउ इज द जोश? सो एक बार चैट बॉक्स में एक बार अपनी खुशी, अपनी एक्साइटमेंट किसी भी ईमो की फॉर्म में फटाफट भेज दो, राइट? जितनी भी तुम्हारे अंदर एनर्जी है, एक्साइटमेंट है, टॉपिक अच्छे से हो रहे हैं, कुछ भी नहीं छूट रहा है। जैसे तुम लोगों ने कहा था कि मैम क्या हम आपके कंटेंट पे रिलाई कर सकते हैं, क्या मस्त पढ़ाओगे, क्या सब क्लियर करवाओगे? आई एम डूइंग दैट नाउ, एवरीथिंग इज इन योर हैंड। तुम लोग कितना रिवीजन करते हो, ठीक है? सो इसी बात पे वीडियो को एक बार लाइक और शेयर भी कर दो। जस्ट लाइक एंड शेयर द वीडियो नाउ, जस्ट लाइक एंड शेयर द वीडियो नाउ। क्या बेकार, क्या बेकार चल रहा है बच्चे? पढ़ाई बेकार चल रही है, क्योंकि यहां तो पूरी तैयारी हो रही है और एकदम A1 तैयारी हो रही है बच्चे। क्लास होती है शाम को 5:15 पे, ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक। संडे को टाइमिंग चेंज हो सकती है, लेकिन मैं संडे को भी तुमको दर्शन देती हूँ। तुमने शायद एम्स वाला वीडियो देखा होगा, जिसने नहीं देखा है जस्ट गो एंड चेक दैट वीडियो। एक मोटिवेशन मिलेगा कि क्यों क्यों आज हमने इतनी पढ़ाई करनी है, क्यों। सो शुरू करते हैं आज का सेशन। सो फटाफट एक बार असेंडिंग ऑर्डर में वो जो ये जो हमारी हायरार्कीज हैं, राइट, क्लासिफिकेशन की 7 ब्रॉड कैटेगरीज, मुझे एक बार असेंडिंग ऑर्डर में बता दो। असेंडिंग ऑर्डर में अंश बच्चे, एक दिन तो मेरी भी छुट्टी बनती है। जस्ट किडिंग बच्चे, मंडे को किसी और दिन पे आके कोई पुलर या फिर तुम लोगों के लिए कोई ना कोई अमेजिंग सा फैक्ट, कुछ ना कुछ तुम्हें मंडे को भी मैं दिख जाया करूंगी। मुझे पता है तुम लोग मुझे मिस कर रहे थे, आई नो यू गाइज वर मिसिंग मी। सो जिसने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, फटाक से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो। जिस बच्चे ने हमारा अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वो लाइक भी कर दे, वो शेयर भी कर दे, वो शेयर भी कर दे। तनिष्क, जूलॉजी पार्ट विल स्टार्ट सून, लेट्स सी कैसे क्या रहता है। होपफुली आपके आसिफ सर ही शुरू करेंगे, राइट? सो डोंट वरी अबाउट दैट। अरे इंडिया में कई गोल्ड मेडल आने। चलिए, सो जो मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैं खुद ही दे देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देने में इंटरेस्टेड नहीं है। द वर्ड वॉज असेंडिंग ऑर्डर, द वर्ड वॉज असेंडिंग ऑर्डर, राइट? असेंडिंग ऑर्डर में पूछा है। सो असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्या कहते हैं? सबसे पहले सबसे छुटंका, यही कहते हैं हम लोग, सबसे पहले सबसे छुटंका, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लाइक दिस। दिस इज वॉट वी कॉल एज असेंडिंग ऑर्डर।
इजंट इट? सो जब मैंने असेंडिंग ऑर्डर में कोई चीज पूछी है, सो तुमको क्या स्पीसीज से नहीं शुरू करना था? स्पीसीज से नहीं शुरू करना था, फिर तुम लोगों को जीनस नहीं लिखना था? हाँ हाँ, फिर क्या तुम लोगों को फैमिली नहीं लिखना था? फिर क्या तुम लोगों को ऑर्डर नहीं लिखना था? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? और यही छुटंकी छुटंकी सी गलतियां होती है नीट के फाइनल पेपर में, और हमारे कट जाते हैं 5 नंबर. कितने नंबर कट जाते हैं हमारे? हमारे कट जाते हैं 5 नंबर. सो शुरू करते हैं बच्चे बाकी का सेशन. सो लास्ट टाइम हमने हायरार्की की बात कर ली थी. वी हैव डिस्कस दैट पार्ट. इफ यू गाइज रिमेंबर, वी हैव डिस्कस दैट पार्ट. मैंने एनसीईआरटी तक ओपन करके, अब तो मैं तुम्हें लाइव सेशंस में एनसीईआरटी तक शो करके तुम्हें राइट ये चीजें पढ़ा रही हूं. सो आई होप यू ऑल आर रिवाइजिंग फ्रॉम योर बुक्स. सो बच्चे, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द किंगडम, लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि फिर क्विज भी है. सो इसमें क्या आ जाता है? फाइला विद कॉमन कैरेक्टर, जिसे अब किंगडम फाइलम है या किंगडम एनिमेलिया है, राइट? जैसे अब हम पीयूष बच्चे, पूनम बच्चे, ऐश्वर्या बच्चे, रौनक, राइट? अब मेरे पास किंगडम है, किंगडम है मेरी एनिमेलिया. सो उस एनिमेलिया किंगडम में, अभिषेक इट्स नॉट एन इंग्लिश चैनल बच्चे. सो अब उस किंगडम एनिमेलिया में जितनी भी फाइलम्स हैं वो किंगडम एनिमेलिया से रिलेटेड होंगी, इजंट इट? वो किंगडम एनिमेलिया से रिलेटेड होंगी. होंगी कि नहीं होंगी? होंगी कि नहीं होंगी? तुम खुद बताओ. चाहे पॉरीफेरा है, चाहे कॉर्डेटा है, दे ऑल आर एनिमल्स. इनके कुछ एक जनरल कैरेक्टर्स हैं कॉमन. सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास, राइट? दिस इज व्हाट वी हैव कवर्ड इन द लास्ट क्लास, राइट? राइट मेरा बच्चा, राइट मेरा बच्चा? सो ये देखो, सो किंगडम एनिमेलिया विल इंक्लूड ऑल द एनिमल्स माय डियर किड्स. सो नाउ कम टू द फाइलम. सो फाइलम विल हैव द क्लासेस विद फ्यू कॉमन कैरेक्टर्स. सो इस चीज को कैसे याद रखना है? आई होप तुमको लास्ट टाइम वाली चीजें भी याद हो. जैसे मैंने जब तुमसे कहा था किंगडम, किंगडम फिर ये है तुम्हारी वो 7 ब्रॉड कैटेगरीज, फाइलम, राइट? एंड बच्चे, बच्चा लोग, अगर याद हो, सो when they are asking 7 broad category, then these categories will come only. When they are asking 7 broad category, right? Right? When they are asking 7 broad category, right? So then you will take these names, right? Farhan, jaldi hi tum logo ko DPP bhi milegi. Don't worry about that. So kingdom, phylum, class, order, family, genus and species. So agar maine लास्ट टाइम भी तुम्हें बताया था, और अगर आप लोगों को याद हो, सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द किंगडम, जैसे किंगडम इज एनिमेलिया, सो अ लिजर्ड, राइट? अ लिजर्ड, अ कॉकरोच, अ स्पाइडर, राइट? अ स्पाइडर, अ डॉग, अ स्क्वाल, एवरी वन इज देयर इन किंगडम एनिमेलिया. ये सारे के सारे कहाँ पर हैं? ये सारे के सारे कहाँ पर हैं बच्चे? ये हैं तुम्हारे टारगेट आईएएस बच्चे. काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं, आप ये सीरीज चेक कर सकते हैं. नाउ प्लीज़ फोकस हियर, राइट? सो ये सारे के सारे किस में आ गए? एनिमेलिया में आ गए. इतने अलग होने के बाद बच्चे, इतने अलग होने, बच्चे इज देर एनी इशू? एक बच्चा कह रहा है कि वी आर नॉट एबल टू सी प्रॉपरली. इज देर एनी इशू बच्चे? अपने वीडियो की क्वालिटी चेक कर. ऑल ओके? ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ प्रॉपरली? कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? सो किंगडम एनिमेलिया. अब मैंने तुमसे क्या कहा, इतने अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म, हम लोग कितने अलग है इन सबसे, अंश हम लोग इन सबसे कितने अलग है? स्टिल वी आर, राइट? स्टिल वी आर प्लेस्ड इन, स्टिल वी आर प्लेस्ड इन किंगडम एनिमेलिया. स्टिल हम लोग किंगडम एनिमेलिया में है. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देयर आर फ्यू जनरल या फिर कॉमन कैरेक्टर, जनरल कह लो या फिर कह लो कॉमन कैरेक्टर्स, राइट बच्चे? सो व्हेन यू मूव फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज, व्हेन वी मूव फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज, यू कैन राइट इट लाइक दिस, राइट? व्हाइल मूविंग, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, एक रिवीजन हो गया तुम्हारा अच्छा. व्हाइल मूविंग फ्रॉम किंगडम व्हाइल टू स्पीसीज, राइट, जनरल कैरेक्टर डिक्रीजेस. ये साइन नीचे की तरफ आ रहा है. इट मींस जनरल कैरेक्टर्स, या यू कैन आल्सो कॉल देम एज कॉमन कैरेक्टर्स, दे विल डिक्रीज, राइट? ये कॉमन कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे बच्चे? दे विल डिक्रीज, दे विल डिक्रीज, राइट? डिक्रीज. और उसके अलावा बच्चे, जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं किंगडम से स्पीसीज की तरफ मूव करते टाइम, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जो इनको और इनके बीच में राइट सिमिलैरिटीज दिखा रहे हैं, दे विल इंक्रीज. समझ आया?
दे विल इंक्रीज. सो इतना पार्ट जिस जिस बच्चे को क्लियर है एक बार फटाफट चैट बॉक्स में यस मैम लिख दे, एक बार फटाफट चैट बॉक्स में यस मैम लिख दे. राइट right? सो अब यहां पर अगर तुम अंश बच्चे ध्यान से देखो, फरहान बच्चे ध्यान से देखो, सो किंगडम में कॉमन फाइलम्स आ जाएंगी. किंगडम में वो फाइलम्स आ जाएंगी, वो फाइलम्स आ जाएंगी जिनमें मतलब एक तरह से सिमिलैरिटीज है. राइट right? कॉमन चीजें हैं. अब फाइलम में क्या आ जाएगा मेरे पास, फाइलम में आ जाएंगी क्लास हैविंग फ्यू कॉमन कैरेक्टर्स. राइट फाइलम में आ जाएंगी क्लास. जैसे मान लो फाइलम था ऑर्थ्रोपोडा, जॉइंटेड अपेंडेजेस. क्लास तुम्हारे पास अलग अलग तरह की है, इसमें क्लास इंसेक्टा भी है, इसमें क्लास अरेकनिडा भी है, एंड मेनी अदर आर ऑल्सो देयर. अब उन्हीं क्लासेस में क्या आ जाएगा, दीज क्लास विल हैव कॉमन ऑर्डर्स. इन्हीं क्लासेस में ये आ जाएगा. हाँ जी सिसोदिया बच्चे, हाँ जी सिसोदिया बच्चे, क्लासेस में ऑर्डर आ जाएंगे. ऑर्डर्स में आ जाएंगी फैमिली, फैमिली में आ जाएंगे जीनस, रिलेटेड जीनस. एनसीआरटी में क्या टर्मिनोलॉजी यूज कर रखी है, फाइलम विल हैव द रिलेटेड जीनस, या क्लासेस विल हैव द रिलेटेड ऑर्डर्स, ऑर्डर्स विल हैव द रिलेटेड फैमिलीज. राइट ऑर्डर्स विल हैव द रिलेटेड फैमिलीज. समझ में आया. जैसे अगर तुमने क्लास इंसेक्टा की भी बात की, अब जो उसमें अलग अलग ऑर्डर्स होंगे, राइट जो उसमें अलग अलग ऑर्डर्स होंगे. अच्छा एक मिनट बच्चे, क्या स्क्रीन ब्लर है, क्या स्क्रीन ब्लर है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है. कभी कभी मुझे लगता है ये सारे बच्चे स्पैमर्स हैं. नहीं ना, ठीक है जी. राइट राइट सो व्हाट इज द पॉइंट हियर मेरा बच्चा, व्हाट इज द पॉइंट हियर दीपांशी बच्चा, पॉइंट इज क्लास में आगे रिलेटेड ऑर्डर. जैसे क्लास है अगर इंसेक्ट, अगर उसमें बाकी के ऑर्डर्स हैं, कोई तुम्हारे डिप्टरन्स है, कोई लेपिडॉप्टरन्स है, कुछ भी है, कुछ भी है, उनमें भी कहीं ना कहीं कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होंगे. फिर अलग अलग ऑर्डर्स, उन ऑर्डर्स में फैमिली, फैमिली में जीनस, जीनस में स्पीसीज. क्या ये वाला पार्ट तुम लोगों को क्लियर है, क्या ये वाला पार्ट तुम लोगों को क्लियर है? लास्ट टाइम भी हमने बात की थी इसके बारे में, वी टॉक्ड अबाउट इट इन द लास्ट क्लास. जल्दी बताना. जल्दी 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 जल्दी, ठीक है. सो इन सब में से, इन सब में से जी बच्चे संदीप, स्पीसीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. इट इज द स्पीसीज विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. क्या है इसमें हमारे पास, इट इज द स्पीसीज विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. आर यू गेटिंग इट, आर यू गेटिंग इट? दिस इज वॉट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी. सो जब भी तुम स्पीसीज की बात करते हो तो किसने दिया था स्पीसीज ये टर्मिनोलॉजी, जॉन रे ने. लिख लो, किसने दिया था ये, जॉन रे ने स्पीसीज. अब स्पीसीज होती क्या है, लेट्स टॉक अबाउट दैट. ये साइंटिस्ट का नाम लिख लेना, ये जरूरी है. स्पीसीज किसने दिया था, जॉन रे ने. सो बच्चे जब हम लोग बात करते हैं स्पीसीज की, वेन वी टॉक अबाउट द स्पीसीज, When we talk about the नशरा बच्चे, when we talk about the species, species होते क्या है बच्चे, obviously बात है group है individuals का, एक group है individuals का जिसमें no doubt morphologically बहुत ज़्यादा similarities हैं. ये वो group है organisms का, individuals का, which can inter, right, which can interbreed, right, which can interbreed. क्या हो गया बच्चे, क्या spelling error है यहाँ, जल्दी बता. ठीक है, विच कैन वॉट, विच कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ. सो क्या आ जाता है हमारे पास स्पीसीज, स्पीसीज आर द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, स्पीसीज आर द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, राइट, दैट आर हैविंग द मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज, प्लस बच्चे दे कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ्स. राइट राइट सो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, यू कैन राइट इट इन दिस वे ऑल्सो. Group of individuals, right, having a common gene pool. Yeah, you can say that having a common ancestor. Having a common ancestor, sharing a same gene pool. And can breed among themselves. ध्यान से ये concept समझना बच्चे, concept clarity बहुत जरूरी है. And can breed,
ब्रीड अमंग देमसेल्व्स, आपस में ब्रीड कर सकते हैं, प्लस दे कैन प्रोड्यूस द स्टेराइल ऑर्गेनिज्म. दिस इज वॉट यू कैन इवन एड, राइट? दिस इज वॉट यू कैन इवन एड, राइट मेरा बच्चा? सो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग अ कॉमन इंसेस्टर, हैविंग अ कॉमन जीन पूल एंड कैन ब्रीड अमंग देमसेल्व्स एंड दे कैन प्रोड्यूस द फर्टाइल ऑर्गेनिज्म. दिस इज वॉट स्पीसीज इज, राइट? दिस इज वॉट स्पीसीज इज. सो ये एक बेसिक यूनिट आ जाता है. अब हमारे पास एनसीईआरटी में बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जब हमने पेंथेरा की बात की, सो वी आर हैविंग द पेंथेरा लियो, ऐसे ही लिखते हैं. दिस इज अ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर. वी आर हैविंग द पेंथेरा टिग्रेस, सो ये देखो बच्चे, जीनस सेम है, स्पीसीज अलग अलग है, समझ रहे हो? Species are different. So, बच्चे अभिषेक, बच्चे पूजा, बच्चे नीट aspirant, right? Panthera Leo and Leo, they will be totally same. But when we you will talk about the Panthera Leo and Tigris, there will be the differences, right? समझ रहे हो क्या होगा यहाँ पर? वंश बच्चे differences होंगे. लेकिन अगर इसी Panthera को तुम किसी और चीज से compare करो, let's say you are comparing it with Felis. एक तुम्हारे पास और organism है, Felis domestica. तुम उसको और अपने आप सोचना, ये डिफरेंसेस समझना, पहले कंसेप्ट समझना. तुमने पेंथेरा लियो, पेंथेरा टिग्रिस और फेलिस डोमेस्टिका को आपस में कंपेयर किया. यू आर कंपेयरिंग देम, राइट? यू आर कंपेयरिंग देम. सो व्हाट विल यू अंडरस्टैंड, व्हाट विल यू सी हियर? तुम लोग देखोगे कि पेंथेरा लियो और टिग्रिस में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है एज कंपेयर टू द फेलिस डोमेस्टिका, क्योंकि इनका जीनस सेम है. इज दैट क्लियर श्रुति? Is that clear, everyone? So these are the points that you people need to note down in your notebook. या NCERT में इनको mark करते चलो, right? ये देखो, जैसे phylum, classes with few common characters, जैसे class mammalia, Pisces, super class, Pisces is a super class, class amphibia, reptile, ये सबके सब एक ही phylum को belong करते हैं. They are having more related character. Very good example it is. ठीक है, अब क्लासेस में रिलेटेड ऑर्डर्स हैं, जैसे ऑर्डर प्राइमेटा, कार्निवोरा, ये एक ही क्लास को बिलोंग करते हैं, दैट इज क्लास मेमिलिया. सो दीज आर द एग्जांपल दैट यू पीपल नीड टू फोकस. इन एग्जांपल पे वंदना बच्चे फोकस करना है. समझ में आया मीनाक्षी? इन एग्जांपल्स पे तुमको फोकस करना है. सो ऑर्डर में क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज दैट रिजेंबल इन मेजर कैरेक्टर, जैसे ये देखो, कॉन्वोल्व्यूलेसी, सोलनेसी, दे ऑल बिलोंग टू सेम ऑर्डर, दैट इज पॉलीमोनियल्स. सो दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी एंड यस वी हैव टू मार्क इट, राइट? वी हैव टू मार्क इट. क्लियर मेरा बच्चा? ठीक है, सो ये देखो, फैमिली में आ गया क्लोजली रिलेटेड जेनरा, जैसे जीनस सोलेनम, पेटूनिया, धतूरा, दे ऑल बिलोंग टू सेम फैमिली. सो ये अलग अलग जीनस है, जीनस अलग अलग है लेकिन क्लोजली रिलेटेड है. सो दे आर प्लेस्ड इन सेम फैमिली, राइट बच्चे? कॉर्डेटा अंश, इट इज अ फाइलम एंड दीज आर द ऑर्गेनिज्म विच कॉर्ड का मतलब होता है एक स्ट्रिंग, एटा का मतलब होता है टू हैव, दे आर हैविंग अ स्ट्रिंग, दैट्स द पॉइंट हियर. ठीक है जी, इतना समझ में आ गया? सो जीनस में आ जाती है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज विद सर्टेन रिजेम्बलेंस, जैसे पेंथेरा एग्जाम्पल आई हैव ऑलरेडी गिवन यू, पेंथेरा लियो लेपर्ड, पेंथेरा लियो लायन, लेपर्ड आ गया हमारे पास, पेंथेरा पार्डस, राइट? एंड टाइगर इज पेंथेरा टिग्रिस, आर यू गेटिंग इट? सो दैट्स द पॉइंट. जैसे मेंजीफेरा इंडिका, सो इंडिका इज द नेम ऑफ स्पीसीज हियर. क्लियर मेरा बच्चा? इंडिका इज द नेम ऑफ स्पीसीज हियर. सो यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ, क्योंकि उसके बाद हम लोग टेक्सोनॉमिकल एड्स स्टार्ट करने वाले. अप टू दिस पार्ट ऑल क्लियर और यू आर हैविंग एनी डाउट? जल्दी 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 यस बच्चे, टेक्सोनॉमिकल एड्स, दिस इज व्हाट वी नीड टू डिस्कस. चलिए, सो अब क्या होगा? अब तुम्हें मिले अलग अलग ऑर्गेनिज्म, तुम्हारे पास आ गए अलग 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 ऑर्गेनिज्म, राइट मेरा बच्चा? अब मेरे पास अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर कुछ तो प्रोसीजर होना चाहिए, जिसके थ्रू मैं डिफ्रेंशिएट कर सकूँ या मैं आइडेंटिफाई कर सकूँ अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म को, क्लासीफाई कर सकूँ, उनका नाम दे सकूँ. इजेंट इट
क्या मेरे पास अलग अलग तरह के कोई तरीके नहीं होने चाहिए? अगर मैं मान लो लैब में जाके किसी को स्टडी ना कर पाऊँ या मेरे पास कोई और प्रोसीजर्स ना हो, आई विल नेवर एवर गॉट टू नो कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस एक दूसरे से किस तरह से अलग है या वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है. आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट. समझ में? आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट. सो जब मैंने टेक्सोनॉमिकल एड्स की बात की, सो यहाँ पर एड्स पढ़ के वो दूसरा दिमाग मत लगा लेना कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. सुना है तुम लोगों ने एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, वो मत सोच लेना. यहाँ पर टेक्सोनॉमिकल एड्स जो तरीके हेल्प करेंगे किसमें, टेक्सोनॉमी में, जो इस आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन नॉमनक्लेचर में मदद करेंगे, राइट. सो दीज आर द टेक्निक्स प्रोसीजर एंड स्टोर्ड इंफॉर्मेशन दैट आर यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन. सो what are these taxonomical aids? These are the principles and procedures as well. Yeah, basically not the principles and procedures, these are the techniques. Right? Principle, procedure, taxonomy को कहते हैं हम. These are the techniques. What are they? These are the techniques. कौन से तरीके? बिल्कुल सही अंश बच्चे, 110%. Right? 110%. Right? So these studies, we need them for the identification, the correct classification and identification of the organisms, right? So these are the aids which will help in taxonomy, which will help in this identification, that's all. So ye dekho, ye alag alag tarah ki aa gayi. Jaise major hamare paas botanical garden hai, right? Hamare paas botanical garden hai, herbarium hai, monograph hai, museum hai, zoological park hai, keys hai, flora hai aur manual hai, right? So this is important. यहां से क्वेश्चन आ सकता है. हाँ जी बच्चे, ड्रॉपर्स के लिए भी ये बैच है 110%, राइट. ओ कंजूसो, एक ही दिन के बाद मिले हैं. संडे को भी मैं तुम लोगों को तंग करके गई थी. थोड़ी सी एनर्जी और एंथुसियाज्म दिखाओ. मुझे ऐसा लग रहा है आज बच्चों में जान ही नहीं है. मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है आज बच्चों में जान ही नहीं है. बिल्कुल सही साइमा बच्चे, these are the certain procedures and the techniques which are used to store and preserve the information. बहुत बढ़िया साइमा, very good, excellent मेरा बच्चा. अब देखो, अब जब तुमने बात की, सबसे पहले आ जाओ हर्बेरियम पे. सबसे पहले क्या आ जाओ हर्बेरियम पे बच्चे. जब भी हर्बेरियम की बात आ गई, तुम बात कर रहे हो प्लांट्स की. What you people are talking? You people are talking about the plants here. तुम लोग किसकी बात कर रहे हो यहाँ पर? तुम लोग बात कर रहे हो प्लांट्स की. सो अगर तुम ध्यान से हर्बेरियम शीट रखो, जैसे हमें भी मिला था, मेरी स्कूल टीचर ने भी मुझे, राइट बच्चे, मेरी स्कूल टीचर ने भी मुझे ये होमवर्क दिया था समर वेकेशन में. उन्होंने हमें कहा था कि तुमको प्लांट्स कलेक्ट करने हैं अपने एरिया के. उन्होंने एक कैटेगरी दे दी थी, जैसे मान लो मुझे बोल दिया कि तुम्हारे घर के आसपास जितने भी प्लांट्स हैं जिन पर फ्रूट्स लगते हैं, तुम्हें उनके लीव्स कलेक्ट करने हैं. मेरी किसी और फ्रेंड को दे दिया कि जितने भी तुम्हारे एरिया के आसपास मेडिसिनल प्लांट्स हैं, यू हैव टू फाइंड देम आउट एंड देन यू हैव टू प्रिजर्व इट. तुमने उसको तोड़ा, उसको अच्छे तरीके से, राइट. जैसे मान लो मैं उसको तोड़ के लाई, मैंने उसको न्यूज़पेपर में रखा, उसको कवर किया, किसी वेट के नीचे सुखा लिया. इस तरह से ये होमवर्क मुझे मिला है, हर्बेरियम वाला होमवर्क मुझे मिला है. सो हमने उसको एक शीट पर फिर पेस्ट करना है. सो व्हाट इज दिस हर्बेरियम? ये स्टोर हाउस है कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस का, जिसको हमने ड्राई किया, फिर प्रेस किया, फिर प्रिजर्व किया शीट्स पर. तुमने उसको ड्राई किया, प्रेस कर लिया, मतलब एक तरह से हमने सुखा लिया, फिर चिपका दिया शीट्स पर एक प्रॉपर तरीके से. इफ यू गाइस कैन सी दिस, राइट. ये देखो यहाँ पे प्रॉपर उसका फ्लावर तक विजिबल है, ये लीव्स तक है, राइट. ये लीव्स तक है. Can you see that? ठीक है. और इन शीट्स पर हमने क्या लिखना है, कैसे अरेंज करना है? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग. यहाँ पर लेबलिंग तक चलेगी. अगर तुमने इसको फील्ड से कलेक्ट किया है, तुम इसका लोकल नाम तक लिखते हो. लोकल नेम बताया था ना मैंने, वर्नैक्युलर नेम भी कहते हैं जिसे हम. तुम वो तक मेंशन करते हो वहां पर, तुम लोग डेट तक मेंशन करते हो, तुम खुद का नाम तक मेंशन करते हो, तुम प्लेस तक मेंशन करते हो. दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो. सो दे कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश नेम, लोकल नेम, बोटानिकल नेम, फैमिली उसकी और कलेक्टर का नाम. सो बच्चे यहां से तुम लोगों का क्वेश्चन आ चुका है पेपर में. सो ये एक PYQ है. सो ये CYQ होने में देर नहीं लगाएगा. समझ में आया? CYQ होने में देर नहीं लगाएगा.
समझ रहे हो? सो क्या क्या लिखा होता है, क्वेश्चन आया था पेपर में कि क्या क्या कौन कौन सी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है हर्बेरियम शीट पे, व्हाट इज देयर इन द हर्बेरियम शीट, राइट? देयर विल बी द डेट, देयर विल बी द प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश नेम, लोकल नेम. लोकल नेम को वी ऑल्सो कॉल दैट एज वर्नाक्यूलर नेम. ओके, सो बोटानिकल नेम, फैमिली, कलेक्टर नेम, एवरीथिंग विल बी रिटन देयर, राइट? एवरीथिंग विल बी रिटन देयर. डन बच्चे, डन बच्चे, अप टू दिस पार्ट ऑल क्लियर, ऑल क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है. तुमको पता है कुछ प्लांट्स को हम लोग लिक्विड्स में भी प्रिजर्व कर सकते हैं, कुछ प्लांट्स जो ड्राई और प्रेस नहीं होते उनको हम लिक्विड्स में भी प्रिजर्व कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, ठीक है? यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, ठीक है जी, ठीक है जी, ओके. सो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, ये देखो. सो इन शीट्स को हमने कैसे रेफरेंस के लिए यूज कर लिया. सो अब तुम लोग अपना होमवर्क लिख लो, यू पीपल नीड टू राइट योर होमवर्क. तुम लोग आज खुद से गूगलिंग करोगे. सो गूगलिंग करोगे तो तुम हर्बेरियम शीट डालोगे और तुम अलग 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 हर्बेरियम शीट्स भी चेक करोगे, उस पर देखोगे किस तरह से नेमिंग कर रखी है. जैसे यहाँ पर इस पॉइंट पर कर रखी है, राइट, इस पॉइंट पर कर रखी है. सो उसके साथ साथ तुम लोगों ने क्या करना है, तुमने देखना है कि सबसे बड़ा हर्बेरियम स्टोर हाउस कहाँ पर है, कहाँ पर है. दिस विल बी योर होमवर्क, राइट? दिस विल बी योर होमवर्क. दिस इज वॉट यू पीपल नीड टू डू. सो अब आ जाओ बच्चे, उसके बाद आगे बोटानिकल गार्डन. आई थिंक यू पीपल नो अबाउट इट वेरी वेल, इजंट इट, बोटानिकल गार्डन. सो यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे लिविंग प्लांट्स पीसेस होंगी. सो बच्चे तुम्हें कन्फ्यूज किया जा सकता है कि क्या यहाँ पर ड्राई प्लांट्स पीसेस होंगी या लिविंग. ऑलवेज रिमेंबर इट्स अ गार्डन, 110% लिविंग प्लांट्स पीसेस होगी. गार्डन है ये, प्लांट्स की आइडेंटिफिकेशन के काम आता है. सो यहाँ पर तुमको बोटानिकल नेम और उस प्लांट की फैमिली तक मिल जाती है. तो तुमने कभी कोई बोटानिकल गार्डन विजिट किया है? बस 10 मिनट और फिर तुम्हारा क्विज शुरू, 10 मिनट और तुम्हारा क्विज शुरू. सो क्या तुम लोगों ने कोई भी बोटानिकल गार्डन विजिट किया है, एवर 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 एवर? सीरियसली कोई भी नहीं? कोई चंडीगढ़ के आसपास रहता है तो उसने देखा होगा रोज गार्डन. रोज गार्डन में मतलब ये है कि अलग अलग तरह के रोज कलेक्टेड है, वहां पे भी उनका नाम और सब कुछ लिखा है. जैसे चंडीगढ़ के आसपास भी कई बोटानिकल गार्डन है. किसी ने किया है विजिट? एक बार देखना, ठीक है, एक बार देखना. सो इन बोटानिकल गार्डन में क्या है, लोकल फ्लोरा को ग्रो किया जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है बच्चे उसका प्रॉपरली, राइट? प्रॉपरली हर एक चीज वहां पे प्लांट्स को प्रोवाइड की जाएगी. कोई कटिंग एंड ऑल वहां पर अलाउड नहीं है, राइट? बच्चे सीड्स को रिसर्च के लिए तक भेजा जाएगा और रेयर और एंडेंजर्ड स्पीसीज. जैसे मान लो बच्चे कई बार क्या होता है, जैसे मान लो ये मेरा प्लांट था, ये कौन सा प्लांट है मेरा, ये मेरा प्लांट था चिंटू, राइट? ये मेरा प्लांट था चिंटू. सो अब ये जो चिंटू प्लांट है ना, सो चिंटू को जब मैंने ग्रो किया, कहाँ पर ग्रो किया, चिंटू जो इसका नेचुरल हैबिटेट था, राइट वंदना? चिंटू का जो नेचुरल हैबिटेट था, सो उस नेचुरल हैबिटेट में चिंटू सर्वाइव ही नहीं कर सकता था. वो कंडीशंस उसके लिए नहीं थी कि वो वहाँ पर सर्वाइव कर सके, राइट? वहाँ पर वो क्या कर सके, सर्वाइव कर सके. सो फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, हमने चिंटू को बोला जी इसको बचाना तो बहुत ज़रूरी है. बाहर तो मान लो इसको काट दिया, इसके नंबर ऑफ़ प्लांट्स भी कम रह गया. तो मैंने उसको बोटानिकल गार्डन में ग्रो करना शुरू कर दिया, राइट? वहां पर जहां पर उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा, ऑप्टिमम कंडीशंस है उसके पास, किसी को हम उसको काटने नहीं देंगे. सो इस तरह से मैंने अपने चिंटू को प्रिजर्व कर लिया, वहां पे इसको प्रोपेगेट करवाया, चाहे टिश्यू कल्चरिंग से प्रोपेगेट करवा दूं, राइट बच्चे, माइक्रो प्रोपेगेशन से प्रोपेगेट करवा दूं, वो मेरी मर्जी, चाहे उसके सीड्स को प्रिजर्व करके रख लूं, राइट? सो चिंटू को शिफ्ट करवाया. सो इस तरह से मैंने अपने चिंटू की जान बचाई. एंड दिस वे व्हेन वी आर मूविंग एन ऑर्गेनिज्म, राइट, वी आर मूविंग एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट, फ्रॉम इट्स वाइल्ड हैबिटेट टू अनदर प्लेस. हम उसको एक स्पेशल हैबिटेट जब देते हैं, जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ये एनिमल्स के केस में भी है, प्लांट्स के केस में भी है, तुमने उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से उठाया, नेचुरल हैबिटेट से पूजा उठाया, तुमने उनको स्पेशल हैबिटेट दे दिया और पूरा ख्याल रखा. सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द एक्सीटू कॉन्जर्वेशन. What is it? It is the ex situ conservation. What type of mode it is? It is the ex situ conservation mode. Right, mera bachcha? So, ye dekho, Royal Botanical Garden hai humare paas. Kyu? England mein. Right? England mein. Uske alawa, Indian Botanical Garden hai. Ye Howrah mein.
हावड़ा, हावड़ा कहाँ है, हावड़ा कहाँ है, कलकत्ता, कलकत्ता। सो ये लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन है एशिया का बच्चे। उसके अलावा नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, सो ये तुम लोग लिख सकते हो रॉयल बोटानिकल गार्डन। क्यू इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा में है एंड दिस इज इन कलकत्ता, दिस इज इन कलकत्ता। और ये नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एनबीआरआई, इसके एंट्रेंस फॉर्म्स भी सर्च करना कि क्या अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए कुछ ऑफर कर रहे हैं, कोई कोर्सेज, यू गाइस कैन चेक इफ यू आर इंटरेस्टेड, राइट। सो लखनऊ इंडिया में, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट, डन बच्चे। सो उसके बाद आ जाते हैं म्यूजियम। म्यूजियम तो हमें बहुत अच्छे से पता है, जब हमने म्यूजियम्स की बात की वो तो हमें बहुत ज्यादा अच्छे से पता है, म्यूजियम्स पता है ना, म्यूजियम्स ड्राई, तुम्हारे प्लांट्स भी एनिमल भी यहाँ पर मिल जाएंगे, यहाँ पर प्रिजर्व्ड होंगे ऑर्गेनिज्म कुछ एक सॉल्यूशंस में। जैसे स्कूल, अपने स्कूल या कॉलेज में देखा है किसी ने म्यूजियम, ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी, स्पेसिमन विच इज प्रिजर्व्ड इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन है प्रिजर्वेटिव, इट इज फॉर्मलिन, इट इज फॉर्मलिन। फॉर्मलिन में हम लोग और एनिमल्स को प्रिजर्व करते हैं, तभी वो गंदी सी स्मेल आती है, बॉडी को डिग्रेड नहीं होने देता वो। देखा है तुम लोगों ने म्यूजियम देखा है कभी, और स्कूल का देखा है, स्कूल में भी तुमने देखा होगा जैसे ऐसे ऐसे बड़े बड़े जार्स में, राइट, मान लो किसी भी फिश को या किसी भी चीज़ को ये देखो ऐसे प्रिजर्व कर लिया, इंटैक्ट रहेगी बॉडी इस तरह से। सो कौन से लिक्विड में किया वंदना, फॉर्मलिन, कौन से लिक्विड में किया, फॉर्मलिन, राइट। सो यहाँ तक कि ड्राइड स्पेसिमन प्लांट्स और एनिमल्स के भी हैं। इंसेक्ट को जब प्रिजर्व किया जाता है तो इंसेक्ट बॉक्स बनाया जाता है, ये भी तुम लोगों को होमवर्क मिल सकता है। यस सौम्या, यू आर वेरी राइट, HGCl2 को, लेकिन प्लांट्स के लिए सौम्या, ठीक है जी, राइट, दे आर पॉइजन्ड यूजिंग दैट सौम्या, ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। सो ये देखो इंसेक्ट बॉक्स भी है, इंसेक्ट को कलेक्ट किया, मार दिया और पिनिंग की। तुमने बनाया इंसेक्ट बॉक्स, मैंने बनाया है, मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया, ये होमवर्क मैंने किया है। सो ये देखो लार्जर एनिमल्स भी, सो एनिमल स्केलेटन तक को कलेक्ट किया जाता है। सो बच्चे वैसे ही सेम वे में जैसे हमारे पास बोटानिकल गार्डन था, वैसे ही हमारे पास जूलॉजिकल पार्क है, इट इज ऑल्सो XC2 मोड ऑफ कॉन्जर्वेशन, राइट। 11th क्लास के बच्चे भी ये लिख लीजिए, ये क्लियर हो जाएगा, XC2 मोड ऑफ कॉन्जर्वेशन। लाइक जब भी कोई एनिमल और प्लांट अपने नेचुरल हैबिटेट में सेफ नहीं है, राइट, वो मान लो उनका नंबर डिक्रीज हो रहा है, वो हैबिटेट उनके लिए सूटेबल नहीं रहा, सो ताकि वो प्लांट या एनिमल एक्सटिंक्ट ना हो जाए, हम उसको ले जाते हैं किसी और, राइट, एक स्पेशल हैबिटेट में, एंड वी यूज टू कॉल इट एज XC2 मोड ऑफ कॉन्जर्वेशन। सो जूलॉजिकल पार्क भी और तुम्हारा बोटानिकल गार्डन भी, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ XC2 मोड ऑफ कॉन्जर्वेशन। डन मेरा बच्चा, डन मेरा बच्चा, ठीक है। कभी जू देखा है, मेरे को जू देखना बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जू में तुमने कभी, मतलब मैंने वैसे तो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, लेकिन जो मेरा फोकस गया ना वो मंकी पे गया। मंकी वरना कितनी उछल कूद करते हैं, है ना, मंकी कितनी उछल कूद करते हैं नेचुरली, बिल्कुल नहीं टिकते। कभी एक जू के बंदर को देखना, वो ऐसे एक जगह टिक के बैठा होगा, कोई उछल कूद नहीं, कुछ नहीं, जैसे जैसा लगता है ना कि नहीं है जिंदा, क्योंकि भाई तुम्हें एक जेल में बंद करके रखा जा रहा है, तुम्हें टाइम टू टाइम खाना भी मिल रहा है। सो उनके अंदर ये जो जितनी भी एक्साइटमेंट रहती है, क्यों है, अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपना खाना भी ढूंढना है उन लोगों ने। अब तुम्हें बैठे बिठाए भी सब मिल रहा है और तुम एक जगह पढ़ रहे हो, बस डिग्रेड होते जा रहे हो, डिग्रेड। सो लाइफ में तुम लोग भी हलचल लाओ, मम्मी पापा ने प्रॉपर खाना दे दिया, कमरे में बिठा दिया, पढ़ने के लिए बिठाया है, वहाँ पे ऐसे जू की तरह ऐसे मत पड़े रहना, जू के मंकी की तरह। जब भी ऐसे 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 बैठने की फीलिंग आएगी ना क्लास घर में, जब मम्मी ने खाना दे दिया, बिस्तर के पास की बच्चा पढ़ ले, मेरा प्यारा सा बच्चा उठ के कहीं इधर उधर ना जाना पड़े, उसके बेचारे के 5 मिनट ना वेस्ट हो जाए, ठीक है, बर्तन ना उठाए मेरी बच्ची, ओ माय गॉड, ऐसा जब मम्मी करे तो पढ़ लेना, वो जू के मंकी की तरह मत पड़े रहना कि बिल्कुल ले आउट ऑफ लाइफ। सो देखो ऐसे किसी को भी नहीं अच्छा लगता, पर मैंने वो एग्जाम्पल तुम्हारी यहाँ पर रिलेट कर दी, ठीक है। सो पढ़ाई कर लेना ढंग से। सो ये भी XC2 मोड ऑफ कॉन्जर्वेशन है। अब आ गया बच्चे हमारे पास की, और इसके बाद होने वाला है शुरू क्विज, राइट। अब आ गया मेरे पास, क्या आ गया मेरे पास, आ गया की। अब की समझने के लिए ना बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, जब भी बच्चों को की समझाओ, राइट, जब भी बच्चों को की समझाओ, सो बच्चे कर देते हैं गड़बड़। सो की है क्या, इट इज एन आर्टिफिशियल एनालिटिकल डिवाइस, इट इज एन
आर्टिफिशियल एनालिटिकल डिवाइस, ध्यान से सुनना, आर्टिफिशियल एनालिटिकल डिवाइस है ये, ध्यान से सुनना, अच्छे से समझाऊंगी, बहुत अच्छे से समझाऊंगी. व्हाट इज अ की, यहाँ पे क्लियर भी नहीं है इसकी ना, मैं थोड़ा सा अलाइनमेंट सही करती हूँ कुछ समय के बाद. व्हाट इज दैट की? इट इज एन आर्टिफिशियल एनालिटिकल, राइट बच्चे, आर्टिफिशियल एनालिटिकल डिवाइस इन विच वी विल हैव अ सेट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बच्चे, वी क्विज होगा, मेंटी नहीं. वेदांतु ने तरक्की कर ली है, वी क्विज बना लिया है. आर्टिफिशियल एनालिटिकल डिवाइस हैविंग अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स या हैविंग अ लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स या ऑल्टरनेट कैरेक्टर्स, हैविंग अ लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. एंड ये किस पर्पस के लिए? ऑफ कोर्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन, ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए है शिवांगी. समझ रहे हो ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन के लिए. सो आर्टिफिशियल एनालिटिकल डिवाइस हैविंग अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट विद ऑल्टरनेट कैरेक्टर्स, चाहे कॉन्ट्रास्टिंग लिख लो चाहे ऑल्टरनेट कैरेक्टर्स लिख लो. एंड इट इज यूज फॉर वॉट? इट इज यूज फॉर वॉट मेरा बच्चा? ये है आइडेंटिफिकेशन के लिए, किसी क्लास की आइडेंटिफिकेशन, किसी ऑर्डर की आइडेंटिफिकेशन, किसी फैमिली की आइडेंटिफिकेशन, जीनस या स्पीसीज की. कॉन्ट्रास्ट मतलब अंश, जैसे मैंने बोल दिया, राइट, तुम लोग चाहे ऑल्टरनेट लिख लो, ऑल्टरनेट लिख लो, जैसे अलग अलग तरह की फॉर्म्स है. जैसे मान लो मैंने किसी में कह दिया कि हेयर स्ट्रेट है, किसी के पास हेयर है वो कर्ली है, एक तरह से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आ गए, लाइक दिस, ठीक है. सो यू कैन नोट इट डाउन लाइक दैट. सो इट इज द आर्टिफिशियल एनालिटिकल डिवाइस हैविंग अ लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेट कैरेक्टर्स, राइट, हैविंग अ लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेट कैरेक्टर्स. एंड इट इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड इज यूज्ड फॉर, अपने नोट्स में भी लिख लेना, फॉर आइडेंटिफिकेशन. कौन कौन सा बच्चा क्लास के साथ साथ नोट्स बनाता है? अटेंशन बहुत सही रहता है उससे. आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, लाइक दिस, ओके, लाइक दिस, ठीक है जी. अब सुनो, जैसे मान लो तुमको एक ऑर्गेनिज्म मिला, वैसे अलग अलग टाइप्स की हैं, लेकिन अपने को उतनी डिटेल में जाना ही नहीं. तुमको एक ऑर्गेनिज्म मिला, लेट्स से कोई भी एक्स वाई जी ऑर्गेनिज्म तुम लोगों को मिला, लेट्स से दैट. अब तुमने उसमें क्या देखने हैं? कुछ एक कैरेक्टर्स देखने हैं और उन कैरेक्टर्स को नोट डाउन करना है. हमारे पास ना कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आ जाता है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैंने लिख दिया स्किन ड्राई, स्किन स्मूथ. इसको समझा रही हूँ, ध्यान से सुनना, स्किन ड्राई, स्किन स्मूथ, क्या ये दोनों कैरेक्टर कॉन्ट्रास्टिंग है, एक दूसरे से कॉन्ट्रास्टिंग है, ऑल्टरनेट कैरेक्टर्स है? या तो स्किन ड्राई है या तो स्किन स्मूथ है, राइट, या तो स्किन ड्राई है या तो स्किन स्मूथ है. ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स का सेट होगा. जैसे मान लो हेयर प्रेजेंट, हेयर एब्सेंट, ठीक है, ऐसे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स. ऑल्टरनेट कैरेक्टर्स है, ऑल्टरनेट, या कोई चीज है, मतलब स्किन है या तो ड्राई है या तो स्मूथ है, राइट, स्केल्स या तो प्रेजेंट है या तो एब्सेंट है, हेयर या तो प्रेजेंट है या तो एब्सेंट है, स्टेटमेंट्स लाइक दिस. दीपांची समझ में आया? स्टेटमेंट्स लाइक दिस. सो ये जो स्टेटमेंट्स, ये जो दो स्टेटमेंट्स का जोड़ा बनता है, कपल बनता है, सो इसमें क्या है? ऑल्टरनेट कैरेक्टर्स है, एक इस तरफ जा रहा है दूसरा इस तरफ, पति पत्नी हो गई ये, एक बोल रहा है मैं इधर जाऊंगा दूसरा बोल रहा है मैं इधर जाऊंगा. या पति पत्नी से ज्यादा बेस्ट एग्जांपल है सिबलिंग्स का, भाई बोल रहा है मैं ये करूंगा, बहन बोल रही है मैं ये करूंगी, राइट, भाई बोल रहा है मैं ये करूंगा, बहन बोल रही है मैं ये करूंगी. कपलेट, ये दो ऑल्टरनेट कैरेक्टर्स. चलो अब कपल वर्ड यूज किया है तो पति पत्नी बना लेते हैं, कपल वर्ड यूज किया तो सिबलिंग से ज्यादा पति पत्नी बना लेते हैं, है ना, पति पत्नी बना लेते हैं कि ये पति पत्नी हो गए, एक कुछ कह रहा है दूसरा कुछ कह रहा है, मान ही नहीं रहे, अलाइन ही नहीं कर रहे, ये हो गए कपलेट इन दो स्टेटमेंट्स का, ये दूसरा कपलेट. एंड ईच स्टेटमेंट इन की इज नोन एज लीड. दो स्टेटमेंट्स, दो अल्टरनेट स्टेटमेंट्स तो हमने कपलेट कह दी, लेकिन हर एक स्टेटमेंट के लिए वी यूज द वर्ड लीड. फॉर ईच एंड एवरी स्टेटमेंट विच इज देयर इन दैट कपलेट, विच इज देयर इन दैट की, वी यूज द वर्ड लीड. सो अकेली स्टेटमेंट के लिए लीड वर्ड है. दो कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स को जब तुमने ले लिया, ऑल्टरनेट स्टेटमेंट्स को जब तुमने ले लिया, देन वी यूज द वर्ड कपलेट,
राइट वैष्णवी, देन वी यूज द वर्ड कपलेट. सो इट इज मोर लाइक अ ट्रेजर हंट. मेरे को ऑर्गेनिज्म मिला, क्या इसकी स्किन ड्राई है या स्मूथ है? अगर ड्राई स्किन है तो पॉइंट नंबर वन पे जाओ, दिस इज योर पॉइंट नंबर वन. राइट, सो स्किन इज ड्राई, तुम आ गए इस कैरेक्टर पे. फिर तुम देखोगे क्या हेयर प्रेजेंट है और एबसेंट है. सो तुमने देखा हेयर प्रेजेंट है, जैसे मान लो ये वन ए है वन बी है, सो इसने कहा थर्ड स्टेटमेंट में जाओ, फिर तुम अगली स्टेटमेंट पे मूव किए. राइट, फिर तुम अगली स्टेटमेंट में मूव किए. सो इट्स मोर लाइक, राइट, इट्स मोर लाइक अ ट्रेजर हंट. तुमको कैरेक्टर्स दिखते जाएंगे रौनक बच्चे, तुम लोगों को कैरेक्टर्स दिखते जाएंगे, तुम लोग उनको मैच करते जाओगे, आइडेंटिफाई करते जाओगे उस कपलेट में से. राइट, सो ईच स्टेटमेंट, बिल्कुल सही नशरा बच्चे, ईच स्टेटमेंट एंड की इज नोन एज लीड. सो ये लीड पकड़ते जाओगे और ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर पाओगे. सो इज देयर एनी डाउट हियर, डन है, ईजी है. चलो, सो अगले कुछ आ गए हमारे पास, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, कैटालॉग. ये भी कुछ एक अलग तरीके हैं, ये भी एक तरह से टेक्सोनॉमिकल एड है जो आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है. जैसे बच्चे जब भी वर्ड आ गया फ्लोरा, हमारे पास दो वर्ड्स होते हैं, तुमने सुना भी होगा, बहुत ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, जैसे एक वर्ड आ गया फोना. फोना का मतलब क्या होता है बच्चे? एनिमल्स, किसी एरिया के एनिमल्स. और व्हेन यू यूज द वर्ड फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब आ गया प्लांट्स. इसको ऐसे याद रखा करो, फ्लोरा, फ्लार, फ्लार. सो ये आ गया प्लांट, ये क्या आ गया? ये आ गया प्लांट. सो यहां पर ये जो वर्ड है फ्लोरा, सो इट इज हैविंग द अकाउंट ऑफ व्हाट विल दैट फ्लोरा कंटेन? Obviously plants की information. So यहाँ पर habitat and distribution को of plant of a given area will be considered. समझ में आया? Flora में तुमने क्या consider किया रौनक बच्चे? Flora में तुम लोगों ने क्या consider किया? Flora में तुमने कहा एक book जिसके पास information है about the habitat, climate, seasonal change, right? Habitat, climate, इवन द सीजनल चेंजेस. सोचो, सीजनल चेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ एक प्लांट का एक एरिया में, इस बुक में सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी. राइट, इस बुक में सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, हैबिटेट, क्लाइमेट, सीजनल चेंज, पूरे का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, पूरे का पूरा प्लांट का डिस्क्रिप्शन. सो तुम ये वर्ड ऐड कर सकते हो, हैबिटेट, क्लाइमेट, सीजनल चेंज, तुम्हारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, तुम्हारे पास डिस्क्रिप्शन आ गया. दीज थिंग्स विल बी इंक्लूडेड हियर, राइट, दीज थिंग्स विल बी इंक्लूडेड हियर. ठीक है जी. सो बच्चे एक आ गया तुम्हारे पास, राइट, अब तुम्हारे पास आ गया मैनुअल्स. जैसे हमारे पास लैब मैनुअल्स होते हैं, शिवम हम लोगों के पास, सो उसमें पूरा दे रखा है कि ये एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट का ये प्रोसीजर है, इस तरह का रिजल्ट निकल सकता है, सो ये तुम्हें चेक करना है. सेम इज द केस हियर. व्हेन यू पीपल श्रुति टॉक अबाउट द मैनुअल्स, येस दे आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया. समझ रहे हो? राइट. सो मैनुअल में आ गया इंफॉर्मेशन एज टू द अक्रेंस कलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया. ठीक है, इंफॉर्मेशन फॉर इवन फॉर द अक्रेंस, कि कौन सी स्पीसीज उस एरिया में अक्कर कर रही है, उनके कलेक्शन के सारे रूल्स आ गए, सारे के सारे वेज रादर, एंड आइडेंटिफिकेशन. ठीक है, एंड आइडेंटिफिकेशन. और उसके बाद आता है बच्चे मोनोग्राफ. सो व्हेन यू यूज द वर्ड मोनो, मोनो का मतलब क्या है अंशु बच्चे? मोनो का मतलब होता है सिंगल. ये एक ऐसी बुक है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टेक्सन की इंफॉर्मेशन होगी, एक टेक्सन की पूरी इंफॉर्मेशन होगी. जैसे मान लो एक बुक है फैमिली लिलिएसी पर, ACEA, एक मोनोग्राफ है फैमिली लिलिएसी पर. सो उस बुक में, उस मोनोग्राफ में लिलिएसी के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी. राइट, उसमें लिलिएसी के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी. दिस इज द वे, दिस इज द मोनोग्राफ. सो वी हैव द हर्बेरियम, वी हैव द बोटानिकल गार्डन, वी हैव द जोलॉजिकल गार्डन या जोलॉजिकल पार्क, वी हैव अदर देन दैट वी हैव द म्यूजियम्स. कीज आर देयर, फ्लोरा इज देयर, मैनुअल इज देयर. राइट बच्चे, और उसके अलावा मोनोग्राफ इज देयर. समझ में आया? सो ये अलग 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 तरीके हैं. सो इस क्वेश्चन का आंसर बताना, फिर चलते हैं जरा वी क्विज पे.
इस क्वेश्चन का आंसर बताना, फिर वी क्विज पे चलते हैं फटाफट. आंसर दिस क्वेश्चन, देन वील स्टार्ट द वी क्विज एवरीवन. सो वी आर डन विद वन मोर चैप्टर. हाउ आर यू फीलिंग? हाँ, हाउ आर यू फीलिंग? एक और चैप्टर डन, साथ के साथ अब बताओ रिवीजन कर रहे हो बच्चे? अगर साथ के साथ रिवीजन नहीं करोगे इट इज ऑफ नो यूज देन. बिल्कुल सही. सो डेट ऑफ कलेक्शन होगा, नेम ऑफ कलेक्शन होगा, लोकल नेम होगा, हाइट ऑफ प्लांट बिल्कुल भी नहीं होगा. राइट, बिल्कुल भी नहीं होगा. 110. ओके, सो शुरू करते हैं हम लोग वी क्विज. माय बैड, जस्ट अ मिनट. यस, शुरू करते हैं हम लोग वी क्विज. सो आर यू गाइस रेडी? आर यू पीपल रेडी? बच्चे अंश स्टिमुलाई, किसी ने तुम लोगों को जैसे मान ले तुम बैठे हुए थे पढ़ रहे थे, आया कोई ऐसे छोटा सा थप्पड़ मार दिया, राइट, तुम्हें एक स्टिमुलस दे दिया, तुम उठे, तुमने दो और लगा दी, तुमने रिस्पॉन्स दे दिया. इट इज लाइक दैट. ओके, इट इज लाइक दैट. चलो, सो ये तुम्हारे पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी तुम देख सकते हो, चैट बॉक्स में भी तुम लोग देख सकते हो. वी क्विज का लिंक आ चुका है बच्चे. सो गो टू द www.wequiz.in एंड यू हैव टू यूज दिस कोड 226352. दिस इज द कोड दैट यू पीपल नीड टू यूज, 226352, राइट, 226352. I hope it's fine now. ये बीच बीच में इसको पता नहीं क्या हो जाता है बच्चे. So everyone just go www.wequiz.in and use the code 226352. Now fine. चलिए जी. सो ओके, हाँ जी, करें शुरू. सो आई होप तुम सबने ज्वाइन कर लिया. इट्स 226352. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन बच्चे. आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन एवरीवन. सो एन एट्रीब्यूट फाउंड इन प्लांट्स बट नॉट इन एनिमल्स, ऐसी चीज जो प्लांट्स में है एनिमल्स में नहीं है, ये बताना जरा. Quite easy. Ronak, everyone just go to www.wequiz.in and you have to use the code 226352. Yes, of course. Jo cheez plants mein hai par animals mein nahi hai. Bache, metabolism is a defining feature. So definitely plants, animals dono mein hoga. Reproduction bhi show karenge. Sexual reproduction bhi of course. Asexual bhi show kar sakte dono mein. हमने पॉरीफेरा का एग्जाम्पल देखा है, हमने नाइडेरिया का एग्जाम्पल देखा है, राइट. सो लेकिन अब ये जो यहां पर आया ऑटोट्रॉफी, ऑटोट्रॉफी का मतलब है खुद से खाना बनाना, राइट. ऑटोट्रॉफी का मतलब है खुद से खाना बनाना. डेफिनेटली इट इज नॉट देयर. साउंड में क्या इश्यू आ रहा है बच्चे? नाउ इज एवरीथिंग ओके? चलिए, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो एवरीवन जस्ट गो टू द www.wequiz.in एंड यूज द कोड 226352. सो नॉमनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रेरी टू द रूल्स ऑफ नॉमनक्लेचर? जल्दी. So nomenclature is governed by certain universal rule. Which of the following is contrary to the rules of nomenclature? So yes, the names written in Latin and are italicized. Bilkul. When written by hand, the names are to be underlined. Yes. Biological names can be written in any language. No. Dead language. Yeah, that dead language. So the first word is a biological name, represent the genus and second. Yes, bachche, so this is the correct answer.
राइट, वॉइस खराब हो गया, वॉइस इश्यू, साउंड इश्यू, क्या हो गया इसे? जस्ट अ मिनट बच्चे, नाउ ओके, नाउ फाइन, इज इट ओके? Is it manageable? Is it manageable? A few seconds, अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, कुछ सेकेंड्स के लिए वेट करो. चलो, so the next question. So yes everyone, so which one of the following is not a correct statement? You have to find out the incorrect statement here. Museum has a collection of photographs of plants and animal. Photograph collection of photographs तो नहीं है. Key is a taxonomical aid for identification. बिल्कुल सही. Herbarium houses dried, pressed and preserved. बिल्कुल सही. Botanical gardens have a classification of living plants. बिल्कुल सही. बिल्कुल सही. ठीक है रानी. चलिए next next next. And everyone be energetic. Chat box में भी answer करो. एक काम करते हैं ना, डमशरास खेलते हैं आज. क्या बोलते हो, डमशरास खेलते हैं? सो द कॉमन कैरेक्टर बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर फैमिली. बोथ बिलोंग्स टू द फैमिली सोलनेसी. दोनों के दोनों सोलनेसी फैमिली से हैं. Now fine. चलिए बच्चे, if sound problem is that much right now, I cannot replace my mic. It's already new. ठीक है, so what will I do? Let's end the session and we'll meet in the next class. ठीक है, then we'll meet in the next class. So जिस बच्चे ने अभी तक अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, शुरू नहीं की है, and are looking for a, right? अब सही है, सही है, श्योर. बहुत क्रैक हो रहा है. सो बच्चे चलो, लेट्स एंड द सेशन देन. सो हियर यू कैन सी द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इसके लिंक में जाओ. बच्चे तुम्हें इंग्लिश में बैच चाहिए, इंग्लिश में मिलेगा. तुमको हिंदी में बैच चाहिए, हिंदी में मिलेगा. और इसके अलावा ड्रॉपर्स का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी है जो तुम फिल कर सकते हो. ऑल आई कैन से इज प्लीज 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 अपना टाइम मत वेस्ट करना. यू कैन स्टिल डू इट, यू जस्ट हैव टू गो फॉर इट. ठीक है, कोशिश करना, एक बार ट्राई करना. लाइफ में रिग्रेट नहीं होना चाहिए, कोशिश एक बार सच्ची होनी चाहिए, सच्चे दिल से, पूरे एफर्ट्स के साथ. ओके, सो ये तुम लोग देख सकते हो, चाहे इंग्लिश बैच है, चाहे इंग्लिश बैच है. बच्चे दीज बैचेस दे आर अमेजिंग. इवन वानी मैम, रिमझिम मैम, विपुल सर, राइट, बेस्ट एडुकेटर्स इसमें पढ़ा रहे हैं. तुम्हें 11th 12th के लिए प्लान चाहिए, राइट, तुमको सिर्फ 12th के लिए चाहिए, आक्रोश के लिए चाहिए, जस्ट गो फॉर इट. एंड आक्रोश इज वन ऑफ द बेस्ट बैचेस बच्चे, जिसमें हम लोग तुम लोगों को सेशंस के साथ साथ असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं. तत्व इज देयर. तुम लोगों के रेगुलर टेस्ट होने वाले हैं. ठीक है, टेस्ट होने वाले हैं. सो ऑल आई कैन से इज कि अगर अभी तक तुम लोगों ने बस ये सोचा है कि देखेंगे, प्लीज ऐसा मत करो. सीरियसली पढ़ाई करनी शुरू कर दो. ये ना टाइम बहुत ज्यादा कीमती है. जब चला जाएगा ना, तब लगेगा शायद एक बार मेहनत कर लेते.
सो कैश वाले फॉर्मेट पे मत आना. सो यू गाइस कैन यूज दिस कूपन कोड दैट इज AMSPRO एंड यू विल गेट अ लाइटनिंग डील. सो आई विल मीट यू सून, ठीक है. और हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम 12th का चैप्टर स्टार्ट करेंगे. सो इस सीरीज में हम लोग सारी ही सारी चीजें रिवाइज करने वाले हैं. सो बाकी का अब अगली क्लास में करते हैं. तुम्हारा ये वीक क्विज मैं अलग से ले लूंगी, राइट. तुम्हारा मैं वीक क्विज अलग से ले लूंगी. अब साउंड फाइन हो गया. चलिए पीयूष, हैप्पी बर्थडे बच्चे, स्टे ब्लेस्ड. अब जब इतनी देर से मैं कह रही थी 5 मिनट एडजस्ट कर लो, 5 मिनट एडजस्ट कर लो, तो कोई नहीं सुन रहा था. अब मैम सब सही है, चलो कोई बात नहीं. अब अगली बार करेंगे इसे, विल डिस्कस इट नेक्स्ट, विल हैव अनदर सेशन, वीक क्विज कर लेंगे. सो डोंट वरी. सो पढ़ाई अच्छे से करो. टेक केयर. बाय बाय. विल मीट यू सून. डू लाइक एंड शेयर द वीडियो.